हमारे जवान वो गुरतेज सिंह जिसने कृपाण लेकर के चाइना के 25 सैनिकों को शहीद किया था और क्या कहा था, बोले सोने हाल और मार मार के खंजर मारा था और कहा था भारत माता की जय। हमारे साथ मनिंदर सिंह बिट्टा जी है जो कि वैसे तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन वो भी एक सेना के जवान है, सोशल आर्मी के जवान है और इसलिए आतंकवाद विरोधी लड़ने वाले युद्ध में आगे रहते हैं। प्रारंभ में मैं सिद्धू को लेकर प्रश्न आपको पूछना चाहूंगा कि सिद्धू के ऊपर पंजाब के वर्तमान अभी अभी जिन्होंने रिजाइन किया इसे मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो चौहान साहब, हमने खून से, हमने अकेले नहीं, कांग्रेस बीजेपी और पॉलिटिकल पार्टियों ने, आरएसएस भी थी, सरदार बेन सिंह शहीद हुए, फिर तबलाची बीजेपी के शहीद हुए, बड़े लोग शहीद हुए पंजाब के अंदर और पुलिस के हजारों जवान शहीद हुए, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए और पंजाब का बॉर्डर 600 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसमें फाजिलका, बठिंडा, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर सारा एरिया चारों तरफ से लगता है। कहां से आया आतंकवाद? हिंदुस्तान से नहीं आया, हिंदुस्तान की राजनीतिक गलतियों से आतंकवाद आया। और किसका, किसने फायदा लिया? पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने। और आज कौन फायदा लेगा? इस पंजाब के अंदर जो राजनीति की गिरावट आ चुकी है, कुर्सी और सत्ता के चक्कर के अंदर पाकिस्तान तैयार खड़ा है। 370 धारा हटने के बाद पाकिस्तान कश्मीर के अंदर फेल हो चुका बुरी तरह, उसकी साथे नाकाम हो चुकी है हमारी सुरक्षा फोर्सेस ने। और पाकिस्तान का अब निशाना है आईएसआई का पंजाब, जहां पहले AK-47 फिर नार्को टेररिज्म, पंजाब की जवानी को तबाह करना। हमने क्या किया पिछले 4 साल के अंदर, 8 साल के अंदर क्या किया पंजाब के अंदर? वोट बैंक की पॉलिटिक्स, कुर्सी सत्ता की पॉलिटिक्स। क्या कभी जवानों के घरों में कोई गया? क्या शहीदों को पूछा? क्या 36,000 बेगुनाह लोग शहीद हुए, क्या उनसे कोई सबक सीखा? हमने कोई सबक नहीं सीखा है, हमने पंजाब को फिर आग में डोल दिया है। कैसे आतंकवाद समाप्त होगा? जितनी देर तक राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, सीमाओं की रक्षा के लिए, नार्को टेररिज्म के खिलाफ, कुर्सी सत्ता को छोड़ करके, त्याग करके, पंजाब खतरे की घंटी बन चुका है पाकिस्तान के लिए, एक सामने तैयारी कर चुका है पाकिस्तान। अरे हम एक कांस्टेबल पुलिस का जवान, फौज का जवान होता है, जब वो फौज में जाता है, पुलिस में जाता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, CID, इंटेलिजेंस, कई 3600 डिपार्टमेंट होते हैं। बख्शी साहब सामने बैठे हैं जिन्होंने हजारों जंगे लड़ी होंगी इस मातृभूमि के लिए, उनको पता होता है कि जवान की कितनी वेरिफिकेशन होती है। मैं भी एक पॉलिटिशियन रहा हूं, हमारी वेरिफिकेशन क्या है? क्या है हमारी वेरिफिकेशन? हमारी वुकत क्या है? हम कुछ भी होते हैं और बन जाते हैं मंत्री, बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। हमें क्या राष्ट्र के लिए कोई समझ अकल होती है या नहीं? कुछ भी फैसले करने शुरू कर देते, कैसे बचाएंगे देश को? कम से कम पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसकी जिस तरीके से फौज के जवान के लिए, पुलिस के जवान के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जिस तरीके से वेरिफिकेशन होती है, उनको उस तरीके से फिर राजनीति में प्रवेश होना चाहिए। यहां तो धर्मशाला बन गया हिंदुस्तान, खालिस्तान बड़ी मुश्किल से हमने खत्म किया, वहां पे शरीरों पे हमने बम खाए, हजारों जवान शहीद हुए, खून की नदियां बही। अजीत डोभाल जी को दिखा रहे हैं बार बार, ये अजीत डोभाल जी पाकिस्तान में कितने साल रहे,
अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पंजाब के अंदर जब टेररिज्म था तो अजीत डवाल जी ने मौत का कफन बांध करके टेररिज्म को समाप्त करने के लिए एक रहम रोल अदा किया। यह थी जिम्मेदारी। बिल्कुल, हमने क्या जिम्मेदारी निभाई? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी निभाई थी सरदार बेअंत सिंह। देखो ये आग के गोले बन चुके हैं ये लोग, कितनी पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर एक छोटी सी गलतियों से कितनी बड़ी हलचल हो गई। कांग्रेस पार्टी को कम से कम बनाने के टाइम पे 100 बार सोचना चाहिए था कि क्या फैसला ले रहे हैं। आज हम खड़े कहां हैं? जब पंजाब की राजनीति कमजोर हो जाएगी तो उसका असर तो पाकिस्तान के ऊपर होगा, और आपने देखा कि किस तरीके से वहां का जो आईएसआई का चीफ बाजवा इमरान खान, जो हमारे जवानों का कत्लेआम किया जिन्होंने, पुलवामा की घटना, और इतने गोलियां चली जम्मू कश्मीर के अंदर, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, आज उनके साथ दोस्ती होगी? हमें कई बार ये महसूस होता है कि ऐसा भी हिंदुस्तान में हो सकता है क्या कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ, उसके साथ इस तरीके से प्यार किया जा रहा है जो हमारे जवानों को शहीद करने का ऑर्डर देता है। अभी एक आतंकवादी कश्मीर में पकड़ा गया, उसने कहा मुझे आईएसआई ने भेजा हिंदुस्तान में कई वारदातें बड़ी कराने के लिए, क्राइम करने के लिए भेजा, आतंकवाद फैलाने के लिए भेजा। हम किस तरीके से मिल रहे? क्या जो जवान शहीद हुए क्या उनके परिवार को कितनी तकलीफ होगी? बिल्कुल बिल्कुल। और जो जवान शहीद हो गए उनकी रूह कितनी रोती होगी कि हिंदुस्तान के अंदर रह करके, हिंदुस्तान का हम नमक खा करके हम पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ से बात करेंगे, हम पाकिस्तान से इमरान खान से बात करेंगे, जो इमरान खान अफगानिस्तान के कंधे पे रख के कश्मीर के अंदर फिर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। बिट्टा जी, आप पंजाब के राजनीति के उन दिनों को भी हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे जिन दिनों में अशांति शुरू हुई थी, फिर वो अशांति बढ़ी। देखो चौहान साहब, हरमंदर साहब के सामने हमारी हवेली है और एक तरफ जलियांवाला बाग, एक तरफ हरमंदर साहब, को दिल्ली चंडीगढ़ नहीं। जब छोटे बच्चे थे ना, जब स्कूल से आते थे तो अपनी माँ से खाना खा के हम जूड़ा, छोटा सा जूड़ा बांधते थे और चले जाते थे मंजी साहब हरमंदर साहब में दोपहर को। हर मोमेंट खालिस्तान की नींव कब रखी गई? जगजीत सिंह चौहान, जिसको टुंडा कहते थे, खालिस्तान का नींव रखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। हमें नहीं पता था खालिस्तान क्या होता है, रेडियो सिर पे, और उसके बाद इंग्लैंड में चला गया वो, आईएसआई का एजेंट बन गया। अपने सामने कत्लेआम देखा, बचपन से जब तिरंगा झंडा 15 अगस्त आजादी का दिन लहराया, जब आ गया भिंडरांवाला हरमंदर साहब के अंदर चैलेंज आता है। बिट्टा जी, जो दौर था उस दौर में, आज जैसे आरएसएस का नाम लेकर आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मैं समझना चाहता हूं कि उन दिनों में संघ की क्या भूमिका थी? तब तो आप कांग्रेस के नेता के तौर पर वहां थे, तो बिट्टा जी मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखो, बड़े लोग आजकल आरएसएस के बारे में कहते हैं ये आतंकवादी संगठन है और आरएसएस के ऊपर बड़े गलत इल्जाम लगाते हैं। सबसे बड़ा अगर रोल रहा और लोगों के साथ कुर्बानी का, आरएसएस के लोगों का रहा। आरएसएस के लोगों को, आरएसएस की संस्था को हमारा कोई किसी से संबंध नहीं, उनको गलत रूप में पेश किया जाता है। वो शाखा लगाते थे, शाखा में निक्कर पहनते थे, हमारी भी शाखा लगती थी, हम भी वंदे मातरम बोलते थे। उस वक्त की कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वंदे मातरम भारत माता की जय, हिंदुस्तान के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म नेक, तो उनकी भी शाखा लगती थी। आज ये बात करते आरएसएस की, अभी
चौहान साहब मैं होके आया बीएसएफ के कैंप के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, एक संस्था का नाम है, मुझे नहीं पता था वो आरएसएस की संस्था है, सीमा सुरक्षा कल्याण मंच। मुझे बुलाया, मैं चला गया। क्या काम करते हैं साहब? जहां गांव में वोट ही नहीं, कोई सरकार नाम की कोई बात ही नहीं, वहां लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं बीएसएफ सीमाओं की रक्षा करेगी, बॉर्डर पे आप अंदरूनी सुरक्षा करोगे, कोई भी गलत आदमी देखे इन्फॉर्म करे। और उन्होंने कई सौ आदमी पकड़ा दिए, कोई उनकी राजनीति नहीं। मुझे बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी संस्था है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी की है। ये कन्हैया आज परसों टीवी के अंदर बड़ा चैनलों में बोल रहा था, जरा कन्हैया को पूछो कितने शहीद परिवारों के घर गए हो, क्या फौज के वो बहादुर जनरल। पंजाब में भी मतलब कई संघ के नेताओं पर जानलेवा हमले हुए और वो वहां पर बलिदान हुए। नहीं, मैं वही अभी बख्शी साहब कह रहे थे, बहुत बड़ी बात, इनका अनुभव है, इन्होंने पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिंदा शहीद की तरह है हमारे लिए, पंजाब की जवानी कहां चलेगी? बख्शी साहब ने बहुत बड़ा सवाल कर दिया, जहां पंजाब के जवान, बख्शी साहब जब जनरल थे तो जवान कितने कितने लंबे होते थे, बंदूक पकड़ते थे और पता लगता था पंजाब का शेर आ गया। आज बढ़ती नहीं है हमारे पास, क्यों क्यों नुकसान हुआ? पहले आतंकवाद पाकिस्तान का, उससे पाकिस्तान को सबने हमने मिलकर हराया, और अब नार्को टेररिज्म जवानी बर्बाद करती, और कुछ नौजवान थे वो जमीनें बेच के चले गए, विदेशों के अंदर मां बाप ने बेच दिया। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को पंजाब के अंदर फिक्र है? यह किसान आंदोलन, हम इनके खिलाफ नहीं। कई बार सवाल पूछा जाता है, परसों भी सवाल पूछा धर्मशाला में किसान आंदोलन के ऊपर कि किसान आंदोलन का क्या हुआ। मैं कहा तिरंगे झंडे का क्या हुआ? खून से जला हुआ तिरंगा झंडा, उसकी कोई चर्चा नहीं। पत्रकारों से कहा मैंने, उसकी कोई चर्चा नहीं। क्या कहा जाता है? पहले इंदिरा गांधी को मारा, अब मोदी को मारेंगे, ये हिम्मत कोई लीडर पंजाब का बोला? और जिन लोगों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया दिल्ली के अंदर, धर्म के ठेकेदारों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको छोड़वा दिया और उनको कहा तुमको नौकरी देंगे, अब दिल्ली की सरकार और पंजाब के अंदर के नौकरी देंगे। अरे तिरंगे झंडे को, खून से सजा हुआ आजादी का तिरंगा झंडा जो लाल किला में पहली बार लहराया गया, उस लोगों का साथ देंगे ये लोग? हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान का नमक खा करके, हिंदुस्तान के अंदर शहादत कुर्बानी हुई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, तांतियां टोपे, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाला लाजपत राय और शहीद आजम उधम सिंह, जिसको वहां शहादत दी, यूके के अंदर फांसी के रस्से को चूमा, कहां गई वो शहादते? जिक्र किया बख्शी साहब ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहबजादों का, छोटे छोटे साहबजादे, मजरूमों की खातर, हिंदुस्तान की खातर नियो में चिनवा दिया गया, छोटी उम्र, चांदनी चौक, हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर महाराज, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, जिन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपना शीस दे दिया हिंदुस्तान के लिए। ये जो पगड़ी है ना सिर पे, पगड़ियां दिखा रहे हैं ना अभी, ये सिर पे पगड़ी है ना चौहान साहब, ये हमें मुफ्त में मिल गई, कुर्बानियां दी हमारे गुरु साहबानों ने, कुर्बानियां दी गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर उनके साहबजादों ने, आरोप में कटवा दिया गया, आरे चलाए गए, पर धर्म नहीं बदला, हिंदुस्तान नहीं बदला, और हमें पगड़ियां मुफ्त में मिल गई, ये शान मौत का कफन हमें मिला, और ये पगड़ियां दिखा के जो इस कौम का अपमान कर रहे हैं ना लोग, ये अच्छी बात नहीं है। ये सिख कौम जो है ना, दुनिया इज्जत करती है, आबादी कितनी हमारी हमें नहीं पता, हम कितने परसेंट है, मुझे को कहना मिनोरिटी में दो मारू, जो मुझे मिनोरिटी में कहे मैं हिंदुस्तान हूं, मैं भारतीय हूं, और ये लोग
हमको इतनी इज्जत मिली हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जाल सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ कातर जंग का हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा, आर्मी एयरफोर्स के चीफ अर्जुन सिंह, एयर मार्शल धनोआ जी, जे सिंह, अरे हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जाल सिंह, बूटा सिंह, ये कहते ना 2% हमको दिया हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान को दिया। किसी ने ये नहीं कहा आप 2% हो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, आप 2% हो आप मनमोहन सिंह की तरह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आप 2% हो आप हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर नहीं बन सकते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया हमें बार बार। अरे हम खड़े कहां हैं, कौन इनकी बातें करेगा? कालस्तानियों के फेवर में आएंगे हम? बाजवा से जप्पी डालेंगे हम? इमरान खान से प्यार करेंगे हम? उनको शाल बेटे बेट करेंगे हम? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, उनकी आत्मा रू रोती होगी जिन्होंने देखा होगा भारत आजाद कैसे हुआ, कितनी कुर्बानियां हुई आजादी के लिए, फांसी के रथे को चूमा, जब भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान में कटी हुई गाड़ी में खून से लथपथ माए बहने कटी हुई आई वहां से, कभी इन्होंने सोचा ये हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, ये हमारा दुश्मन रहेगा, इसके साथ कभी विश्वास नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी गए थे हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके नवाज शरीफ को मिलने के लिए कि हिंदुस्तान मानवता की रक्षा करता है, पाकिस्तान हो जाए हिंदुस्तान, हम नया रास्ता अपनाना चाहते। क्या किया पाकिस्तान ने? हमें पता था ये होगा, हमें अखबारों में बोला ये पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, क्या हुआ चंबा के अंदर 25 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए, पठानकोट और दीनानगर की घटना, ये पाकिस्तान की औकात, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कभी सुना नहीं की एक गोली चलती 100 चलाते, पुलवामा पे हमला किया पाकिस्तान में घुस करके 500 आतंकवादियों को मारा, 15 मिनट के अंदर हमारे जवान जिंदा शहीद की तरह वापस आए, आज भी पाकिस्तान कांपता है। और अभी जिक्र किया बख्शी साहब ने महाराज रणजीत सिंह जी का, कौन थे महाराज रणजीत सिंह? जिनका काबल कंधार तक राज था, और उनकी फौज के जर्नैल थे हरि सिंह नलुआ। मैं कहती थी काबल कंधार तक, ये जो तलवानी देखते हैं ना हथियार उठाते हुए, इनकी माए इनकी पत्नियां कहती थी बच्चे को बच्चा सो जा, महाराज रणजीत सिंह की शेर पंजाब की फौज का वो जर्नल आ गया बच्चा सो जाता था। और अभी हमारा स्टैचू तोड़ दिया महाराज रणजीत सिंह जी का, अभी टुकड़े टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के अंदर, कल हमारे एक सिख भाई का कत्लेआम कर दिया। कहा ये नेता पंजाब के बोले, बताइए बोले नवजोत सिंह सिद्धू जी, बोला किसी पॉलिटिकल पार्टी का को धर्म का ठेकेदार बोला महाराज रणजीत सिंह को स्टैचू को तोड़ दिया जाए? वहां हमारे गुरुद्वारों के अंदर हमारे ग्रंथी ननकाना साहब के उनकी बेटियों को उठा के ले दिया जाए? हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए? हमारे मंदिरों का अपमान कर दिया जाए? हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम कर दिया जाए? उनकी बहनों के साथ उसकी इज्जत को खराब कर दिया जाए? क्यों नहीं बोले पंजाब के लोग या हिंदुस्तान के लोग नहीं बोल सकते? वो अपना काम करे, पंजाब के लोगों का क्या रोल है? हमारी सीमाएं लगती है। मैं जाता हूं कच्छ के अंदर, अभी क्या कच्छ में बीएसएफ में राखी प्रोग्राम के ऊपर, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। कभी आपने सुना गुजरात से कि गुजरात से कभी आतंकवादी हथियार लेके कभी आए गुजरात के अंदर? हाँ एक घटना हुई 11 वहां पे 26/11 की, क्यों? हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति कमजोर थी, आए। और महाराष्ट्र के आपने हाल अभी देखा किस तरीके से महाराष्ट्र की पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया। बिट्टा जी, पंजाब में ईसाई धर्मांतरण इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, और खास करके सिख भाइयों का भी
इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखो मैं अभी बख्शी साहब भी कह चुके, मैं भी कह चुका, पंजाब की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है, किसी को लेना देना नहीं। वोट, सत्ता, कुर्सी, पैसा। नार्को टेररिज्म ठीक कर पाए हम? धर्म परिवर्तन की बात करते, दिल्ली में जाके तिरंगे झंडे का अपमान करते, क्या कहते असी सरदार होने हैं, असी सरदार। अरे सरदार होने का मतलब की है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज के, गुरु तेग बहादुर महाराज के असूलों पे चलना, मानवता की रक्षा करना। हमने की ना मानवता की रक्षा? पूछे को मुझे कौन है तू? मैं पत्रकार को कई बार पूछता तू मुझे क्या समझते हो, जवाब फखर से मिलता, मैं तुम्हें हिंदुस्तानी, और गर्व से कहता हूं तू भारतीय है, फिर मैं कहता मैं सिख हूं, पहले भारतीय फिर सिख गुरु महाराज का। क्या कहता हूं? मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे मातरम। ये लोग, इनके सामने क्या हो रहा है? धर्म परिवर्तन हो रहा है। कोई जवाब को बात करने को तैयार नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं इसका। पाकिस्तान के अंदर गोलियां चल रही है, सिख हिंदू समाज के ऊपर ग्रंथियों को, बेटियों को वहां किया जा रहा है। आप बताइए कौन सी किसकी बात सुनी, किसने जोर से बोला, किसने आवाज दी, किसने इमरान खान से बात की, किसने जनरल बाजवा से बात की? अरे हमारा सिख और हिंदू भाई और मंदिरों गुरुद्वारों का अपमान कर दिया। कहां थे ये लोग? एक आया था काफिर जो कहता ननकाना साहब, उसको ढह ढेरी कर दो, यहां पे मस्जिद बना दो। कोई बोला? कोई चीफ मिनिस्टर हो या आज के नए बड़े नेता जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते को बोला? इसका मतलब कोई धर्म परिवर्तन हो, कोई कौम का नुकसान हो, कोई हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा जाए, गुरुद्वारों को तोड़ा जाए, उनकी बहू बेटियों का अपमान हो, वो तो पाकिस्तान में हमारा, ये तो असलियत आपके सामने है, सामने असलियत। पन्नू ने आवाज दी थी, पन्नू ने यूके के अंदर खालिस्तान बनाएंगे, निकालिए अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग, हजारों नौजवानों को लेके घेरा था यूके की एम्बेसी को और कहा था पन्नू वापस दो। क्या कहता था? खालिस्तान बनाएंगे। आज तक लड़ते हैं, क्या कहते हैं? खालिस्तान ना बना था ना बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। अरे हम अकेले लड़ते रहेंगे, बख्शी साहब अकेले लड़ते रहेंगे? क्या मदाने जंग के अंदर को हमारी कौम से भी लोग निकलेंगे? लोग हमें शक की निगाह पे देखते हैं, तिरंगे झंडे का अपमान करने के बाद हमारे जवान, वो गुरतेज सिंह जिसने कृपाण लेकर के चाइना के 25 सैनिकों को शहीद किया था, और क्या कहा था? बोले सोने हाल, और मार मार के खंजर मारा था, और कहा था भारत माता की जय।